तो दोस्तों अभी जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म में इसको लेके बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और अभी काफी आर्टिकलों ने न्यूज़पेपरों ने ये अनाउंस किया है कि आपके जो फॉर्म है 1 मार्च से शुरू होंगे। आपने देखा होगा कई बार ये आर्टिकल वाले होते हैं, इनकी बात गलत भी निकल जाती है, कई बार सच भी निकल जाती है। क्योंकि सच यूँ निकल जाती है कि NTA का बहुत बड़ा सिस्टम है, उसमें कुछ आदमी होते हैं जो बता देते हैं कि हाँ हमने ये डिसाइड किया हुआ है। आपने लास्ट ईयर देखा होगा सभी बोल रहे थे कि नीट का एग्जाम पोस्टपोन होगा, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 या 4 महीने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि इस डेट को आपका एग्जाम होगा और उसी डेट को हुआ। तब मुझे लगा कि कई बार इनके पास अपडेट आ जाती है, तो अभी ये 1 मार्च बोल रहे हैं। और आप नॉर्मल आप कॉमन सेंस के आधार पर भी देखो, अगर मई के आपका 7 मई को एग्जाम हो रहा है तो इतना समय तो चाहिए कि 1 मार्च जो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च है उसमें तो आपका नॉर्मली आना ही चाहिए, तो उस हिसाब से भी अपन आइडिया लगा सकते हैं। बाकी इस चीज़ का आपकी पढ़ाई पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप दोस्तों मेहनत करो क्योंकि इतना आसान नहीं है। अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, अब बहुत समय आ गया। अगर आप 1 मिनट भी खराब कर रहे हो, समझो आप स्टूडेंट से पीछे जा रहे हो कॉम्पिटिशन में, तो अब आपको हर सेकंड का हर मिनट का सदुपयोग करना है। बाकी आप अच्छे से प्रिपरेशन करो दोस्तों, आपके लिए ऑल द बेस्ट है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।